देखिए छोटा सा नाला बह रहा है लग रहा है, ये पता नहीं है क्या है नाला है। देखिए कितना छोटा छोटा पेड़ दिख रहा है, सब कांटे वाला पेड़। अभी हम लोग वाराणसी स्टेशन पे हैं, मोतिहारी स्टेशन से चले हैं बापूधाम, लेकिन वहाँ समय नहीं पड़ पाया है तो जल्दी जल्दी में हम लोग वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। देखिए पीछे देख रहे हैं वाराणसी स्टेशन, सिटी स्टेशन है छोटा सा। हम लोग सद्भावना से जा रहे हैं दिल्ली, आनंद विहार उतरेंगे तो यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊँगा अपना जर्नी। बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग निकले हैं, देखिए ट्रेन लगाए, यहाँ पूरा सुनसान है स्टेशन पर। देखिए ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, वैसे मास्क पहन लेता हूँ। ट्रेन खुल सकती है इसलिए हम लोग अब अंदर चलेंगे, तो हम लोग अंदर चलते हैं गाइस। यहाँ कितना देर रुकेगा पता नहीं है, तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए अंदर हम लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पे मम्मी बैठ के पूजा कर रही हैं, जैसे पापा जी सोए हुए हैं और दीदी यहाँ बैठे हुए हैं। छोटी देखिए ऊपर 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 छोटी है, ऊपर बैठी हुई है। 11:20 देखिए स्टेशन का लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, इस पर गंगा का दृश्य दिखाया गया लग रहा है, महात्मा बुद्ध भी है इस पर। 11:22 सुनसान है स्टेशन, लेकिन यहाँ पे अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। ये वाराणसी का सिटी स्टेशन है। देखिए यहाँ से गाइज ट्रेन चल दिया, वाराणसी सिटी स्टेशन है यहाँ पे, मुझे यहीं पे टाइम मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि हुआ ये कि हम लोग को जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ना था, तो रात में ही हम लोग निकले और स्टेशन गए और ट्रेन पकड़े, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं ब्लॉग नहीं बना पाया अपने बापूधाम स्टेशन से। वापस जाऊंगा तो ज़रूर वहां का दिखाऊंगा। देखिए वाराणसी स्टेशन बोर्ड, यहाँ पे ट्रेन दिखाई दे रहा है, घूम रहा है, यहाँ पे मोड़ है। देखिए गाइस पटरी के बगल में ये हर शहर का सच्चाई दिख जाता है, देखे हैं ना बैक में लोग कैसे घर बना के गरीब लोग रह रहे थे, शहर के चकाचौंध में ये सब पीछे रह जाता है। लेकिन आप कहीं भी स्टेशन के रेलवे पटरी के पास जाकर देखिएगा तो वहाँ शहर के जो गरीब लोग होते हैं वहाँ मिल जाएंगे आपको। आलिशान बिल्डिंग जो शहर की होती है चकाचौंध, उसके पीछे का सच यही होता है। देखिए कितना इधर गंदगी है, जैसे देखिए झुंगी झोपड़ी दिख रहा है आपको, ये वहाँ तक आपको दिख रहा है झुंगी झोपड़ी, झुंगी झोपड़ी इधर चारों तरफ ही है। ये बड़े बड़े शहरों की सच्चाई यही है हमारे यहाँ की। देखिए गाइज हम लोग बनारस के मेन जंक्शन पर आ गए हैं, देखिए ये फ्लाईओवर दिख रहा है शहर का, और देखिए यहाँ पे आपको जंक्शन पे ही मंदिर का दर्शन हो जाएगा। लगेगा यहाँ से में बनारस में आ गए हैं, बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है ये। अगर ज़्यादा रुकेगा तो हम बाहर जाके आपको दिखाएंगे यहाँ का प्लेटफॉर्म। यहाँ का भी सच्चाई दिख रहा है रोड का। ज़्यादा भीड़ यहाँ पे भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मम्मी गोड़ ला रही हैं। यहाँ 12 बजे देखिए, वो सिटी स्टेशन था, यहाँ मेन जंक्शन पे आने में इतना समय लग गया। यहाँ पे अंदर में भीड़ है, देखिए
प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं जाने के लिए। इधर में भीड़ है। अरे खाना अरे खाना खाना अरे खाना अरे खाना खाना अभी तो यहाँ पे गेट पे भीड़ रहेगा तो उतरना सही नहीं रहेगा। देखता हूँ उत्तर रेलवे है, हम लोग मध्यपुर रेलवे से चले हैं, ये उत्तर रेलवे हो गया। गेट से आपको उधर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे यहाँ से ट्रेन जल्दी चले जाएगी इसलिए गेट बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ गेट क्लोज कर दिया, चलता हूँ अंदर ही। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेगी इसलिए बाहर मैं नहीं निकला, क्योंकि कौन जाएगा रिक्स लेने जाके बाहर घूमने, इसलिए बाहर जाके अंदर से ही चलाया। गाइस देखिए उस प्लेटफॉर्म पर कितना भीड़ है, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर दूसरी ट्रेन खड़ी है। वाराणसी स्टेशन से चल दी गाड़ी, आगे चलते हैं। गाइज वाराणसी स्टेशन से आगे निकल चुकी है गाड़ी, देखिए इधर कितना हरा भरा पेड़ दिख रहा है, लग रहा है हम लोग किसी जंगल में आ गए हैं एडवेंचर करने के लिए। पूरा हरा भरा जंगल है इधर, जंगल हाँ। ये कांटेदार पेड़ है सब, देखिए छोटा सा नाला बह रहा है लग रहा है, ये पता नहीं है क्या है नाला है। देखिए कितना छोटा छोटा पेड़ दिख रहा है, सब कांटे वाला पेड़ है। इससे नाम मेरे यहाँ झरकड़ बोला जाता है, इसमें कांट होता है और पत्ता होता है, ये औषधीय पेड़ है। जितना सारा दिख रहा है औषधीय पेड़ है, ये अंदर सिर्फ वही है झरकट ही, झरकट ही है। इसका औषधीय बहुत ही लाभकारी उपयोग होता है। देखिए छोटा छोटा पूरा दिख रहा है झरकट ही झरकट चारों तरफ। एक क्रॉसिंग में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, यह बनारस ही है, बनारस का साइड इलाका है, आपको शहर नहीं दिखेगा इसमें। हम लोग साइड इलाका से ही जा रहे हैं क्योंकि रेलवे का ट्रैक साइड से ही बनता है ना, शहर के बीचों बीच नहीं होता है। अब मेरे शहर में था बीचों बीच, यहाँ सोसाइटी को ही दिख रहा है। बच्चा सब खेल रहा है डांस कर देखिए मम्मी देख रही हैं। ये कोई फ्लाई ओवर लग रहा है, गाइस देखिए यूपी का खेत खलिहान, अभी खेत में काम चल रहा है। देखिए गाइस देखिए जौनपुर का ये सिटी स्टेशन है, जौनपुर सिटी से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। गाइस शाम हो गया है, देखिए मैं सो कर उठा हूँ, अभी दिन में ही सो गया था, अभी हम लोग यूपी में ही हैं। देखिए कहाँ है पता चलेगा, आगे देखता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग निहालगढ़ में हैं, देखिए निहालगढ़ स्टेशन, शाम हो चुका है। निहालगढ़ स्टेशन पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, देखिए निहालगढ़। अच्छा प्लेटफॉर्म है, लुक भी इसका अच्छा है।
इसमें आने का ये है कि इसमें 28 घंटा में पहुँच जाती है और लिफ्ट और करेगी तो और ज़्यादा। अगर आपको कहीं टिकट ना मिले तभी इसमें बनवाइएगा, नहीं तो इसमें आना मतलब कि परेशान हो जाइएगा बैठे बैठे इतना लेट चलती है, सबको पास दे दे के तब चलती है। हम लोग एसी बोगी में हैं। गाइस शाम हो रहा है, हाँ देखिए इधर खेत में सब दिख रहा है फसल, ये अंडरपास है। देखिए सनसेट होने वाला है हमको लगता है आधा घंटा में। हरा भरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। देखिए छोटा सा नहर है, इधर पेड़ पौधा खूब दिख रहा है, जंगल भी खूब दिख रहा है। आपको मतलब दिल्ली जाते वक्त हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। देखिए मम्मी बाहर का नज़ारा दृश्य देख रही हैं। गाइस देखिए वहाँ पे आपको खेत में मोर दिखेगा, देखिए गायब हो गया, उड़ गया। हाँ वहाँ खेत में। अच्छा और दिखता है तो आपको बताता हूँ, अभी खेत में दूर था दिखाई नहीं देगा। ये गेहूँ का खेत है, इसमें पानी पटा दिया गया है गेहूँ के खेत में। इधर चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहा है, चारों हरियाली। देखिए ये सब जो दिख रहा है अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन और इसको सफेदा भी बोला जाता है करके होता है कुछ, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है सफ़ेद कलर का। शाम का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। देखिए ट्रक पे अनाज रखा गया है मालगाड़ी से उतार करके, हाँ मालगाड़ी से उतार करके। हाँ मालगाड़ी से उतार के रखा रहा है इसमें। ये सनसेट होने वाला है, सूर्यास्त का समय हो गया है। इधर खेत में पानी भी दिख रहा है, चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहा है इधर। देखिए हाँ देखिए गाइस अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या तो अच्छे से सो जाइए या तो बाहर बैठ के नज़ारा देखिए, मनोरंजन होते रहेगा आपका और टाइम कट जाएगा। आय की जर्नी आप मेरे अगले ब्लॉग में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।